ये कुछ आंखों के ऊपर है जी। हाँ बिल्कुल सही सोचते हैं आप लोग, क्योंकि हम अब बात करने जा रहे हैं अखियां, एक बहुत ही अच्छे गाने के प्रोड्यूसर आनंद जी से। आनंद जी, अखियां नाम सुनते के साथ सब कुछ पता लग जाता है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन आप अखिया एक नया सिंगल है जो जी ने रिलीज़ किया है, हम लोगों ने उसको प्रोड्यूस किया है और विष्णु ने कोरियोग्राफ किया है, डीजे अमित और तरुण ने इसको कंपोज किया है, अध्ययन ने गाया है, नायरा ने उसमें अपना, नायरा ने पहले हिंदी फिल्में करी हैं, वन नाइट स्टैंड में ये हीरोइन थी सनी लियोनी के साथ। तो ओवरऑल गाने के ऊपर हम लोगों ने जब काम शुरू किया एक डेढ़ महीने पहले, मैंने सुना तो ऐसा हमने इतना बड़ा करेंगे प्लान नहीं था कि पटाया जाएंगे, वहाँ से फिर कई डिफरेंट आइलैंड्स पे जाएंगे, वहाँ पे जाके शूट करेंगे। मेरा प्लान था एक नॉर्मल सा गोवा जाके कुछ करेंगे, बट इसके अंदर पूरा का पूरा जो जान डाला वो विष्णु है। विष्णु ने जैसे ही सुना मेरे को कहा कि भाई ये इसको हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करने के लिए फिर बड़ा पैसा भी चाहिए, तो वो एक था दिमाग में कि भाई कैसे होगा ये सारी चीज़ें, बट बहुत अच्छा मैनेज हुआ और ओवरऑल जिस तरीके से कॉन्सेप्ट विजुअलाइज किया था विष्णु ने, उस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर पाए। जैसा कि नायरा जी, हम आपको बने स्टैंड में तो देख ही चुके हैं और गाना भी अखियों और आपकी आँखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो आप अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। वेल यूजुअली एक एक्टर्स का जर्नी क्या होता है, वो लोग एड्स करते हैं, म्यूजिक वीडियोज़ करते हैं एंड धीरे धीरे they become an actor, but I have been an actor first, then tried assisting, then tried doing videos, so it's been a very non-cliche journey for me. Moreover, this experience is extremely beautiful because I had such amazing technicians on board, very comfortable journey for me, kuch problem nahi, everything was smooth sailing, and good makeup, good costumes. When you're confident about things around you, ek automatically sab kuch कॉन्फिडेंटली हो जाता है एंड यू नो क्रिएटिविटी पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सो वही चीज़ हुआ एंड आई गॉट टू अनलीश माई सेल्फ, दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड आई होप यू गाइस लाइक इट, दैट्स ऑल। बिल्कुल जी, जैसे सर हम आपसे जान चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस नायरा जी के साथ बिल्कुल कैसा रहा? नहीं, नायरा जी के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगा नहीं कि ये इतनी, मेरे से तो बहुत ज़्यादा सीनियर है, बट इनके साथ काम करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा जैसे एक सीनियर और जूनियर वाली बात। फर्स्ट टाइम किया, बिल्कुल कोऑपरेट करके काम किया, काफ़ी मज़ा आया। आप बॉलीवुड में अपना हाथ जमाना चाह रहे हैं या बॉलीवुड में आपका पहला काम है, इस बार में? हाँ, ये फर्स्ट काम है और सेकंड वन बहुत जल्दी आने वाला है और उसके बाद अगेन एक थर्ड वन भी आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और धीरे 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 स्टेप बढ़ाइए और मुझे प्रमोट कीजिए, हमारी टीम को प्रमोट कीजिए, जिससे कि हम आपके गाने का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक गाने में कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो आपके जब इनके साथ कोरियोग्राफी कर रहे थे, आपको पटाया जाके आपने कोरियोग्राफी करी, गोवा में भी कर सकते थे लेकिन अगर पटाया। एक्चुअली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहता हूँ आनंद जी को, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम गाना सुना था, फर्स्ट टाइम जब गाना सुना तो विजुअलाइज लाइक लार्जर देन लाइफ, लाइक बिल्कुल इस टोटली वाइड रेंज होना चाहिए ऐसे टाइप में, तो मेरा विजुअलाइजेशन है बट उसको पूरा करने में आनंद जी का हाथ है, तो उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो मेरे साथ संदीप जी है, सो उन्होंने बहुत फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट इसलिए ऐसा नहीं लगा फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्टिंग कर रहे हो क्या डांस कर रहे हो, सो ईजिली जो भी बोला हर चीज़ ईजिली कर लिया। जैसे नायरा ऑल्सो, नायरा इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड मेन पर्टिकुलरली जो गाने का जो वर्डिंग है आखिया गाइज बहुत बहुत खूबसूरत है, तो उसकी वजह से तो हम लोग बहुत आईज का क्लोज बहुत जान लिया, तो इज अ टीम वर्क, सो एवरीथिंग कम आउट गुड, सो होप योर विशेस। गाने को ज़्यादातर आज के टाइम में रैपिंग ज़्यादा चल रही है, तो मैं चाहता हूँ रैप देने में आपने क्या? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा रैप देने में, रैप देने में तो सारा रैप में तो बड़ा टाइम लगता है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दिया उसको लिखना उसको बोलना जो है, बट ये गाने में मतलब लिख तो दिया, अब उसको प्रेजेंट कौन करे? जब आज के टाइम में आज बॉलीवुड में बहुत सारे रैपर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट हमारे को लगता था या तो उनसे करवाएं या खुद करें, अगर हम उनसे करा देते ये गाना उनका हो जाता, हमारा नहीं हो पाता, तो ये बड़ा पॉइंट था। तो बोला कि यार जब अच्छा खासा कर दिया है तो लेट्स गिव अ ट्राई एंड ही सैंग दैट रैप, तो हमने लिखा और भाई ने आजमाया और गा के बताओ यार करते करते हो गया तो बस एक हो ही जाए थोड़ा सा रैप।
शुरू करो सर, आपसे गाना गाइए, ये मुश्किल नहीं है। दो लाइन पहले से, फिर मैं पे आ जाऊंगा। अखियां च मेरी तू वसदा, जेड़े पासे वेखा मैनू तू दिसदा, तेरे बाजू कलिया ना लगदा है जी, सिने तो है मेरी रूह कटदा। दिल च वसाया तेनू जा मैं बनाया, पलकों को मैंने तेरी आंखों में छिपाया, अखियां ने मैनू तेरी जन्नत विखाई, जद मैनू विखदा तेरा ही ये साया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अखियां सुन के आप कहीं हाथों में खो मत जाइएगा। मैं दीपांश विजय, कैमरामैन अंकित के साथ न्यूज़ पॉइंट।